आमे बर्तमान अच्छु नुआ दिल्ली मजनुका टीला जोठी पाकिस्तान रु अनेक आसी भारतीय सिंधु प्रांत से माने अवस्थापित करते सेठारे जितेबाले टॉर्चर बढ़िला से माने इंडिया को आसी एवं सीए जितेबाले लागू करा जाइछि से मानक मनरे कोटना कोठी आशा आकांक्षा जन्मिछि जे निश्चित भाबे से मानक एठारे नागरिकता मिलिबो किछि लोक अछन्ति जे मानकर आधार कार्ड बनिछि किंतु एठी से माने दीर्घ दिन रासी रहलेनि के 4 वर्ष रासी के 5 वर्ष रासी के मध्ये वर्षे भीतर आसी किंतु कोटना कोठी एबे भी से मानक पखर राशन कार्ड हो बिजुली हो ई सब व्यवस्था नै आमे बर्तन अछु एठी एक स्कूल चालुछि किछि ऑर्गेनाइजेशन आसी के से मानक जो पिला मान रहछन्ति से मानक पाठ पढौछन्ति अपन देखि परथबे गुडे शिवजींकर मूर्ति मध्ये अछि एपडे मध्ये गुडे मंदिर अछि जोटा बर्तमान बंद रही झंडा लगी गत काली सेलिब्रेशन कर 75तम स्वाधीनता दिवस जोटे पढ़ाऊँ से मैडम आम सहित अच्छा सहित आलोचना करवा मैडम जी क्या बोलेंगे यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं और आप क्यों पढ़ाने चाहते हैं लोगों को क्योंकि उनका बहुत सारी दिक्कत है उसी बीच में आप खुद आके घर में पढ़ा रहे हैं कोविड में एक्चुअली जो एजुकेशन होती है वो इंसान के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती है तो एजुकेशन के लिए जो हमारी एनजीओ है हाई ह्यूमैनिटेरियन एड इंटरनेशनल वो बच्चों को पढ़ाना चाहती है क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप हर चीज़ को उनके उनको अपने कानून के बारे में अपने नागरिकता के बारे में हर चीज़ के बारे में हम उन्हें उनकी एजुकेशन से बता सकते हैं तो जो एजुकेशन है हमारे एनजीओ का मोटिव है कि हम इनको 100% एजुकेशन दें और इसके लिए हमारे 4-5 टीचर्स यहाँ पर आते हैं और सिग्नेचर प्रेस जहाँ पर और रिफ्यूजीज हैं इन बच्चों का सारा एडमिशन हुआ है स्कूल में हाँ जी 100% एडमिशन हो गए हैं इस बार और जो कुछ बच्चे हैं जिनमें एज का मतलब डिफरेंस है उनका हम डिस्टेंस एजुकेशन पे बात कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है सीए क्या है जो कानून पारित हुआ है इन लोगों को कैसे आगे मिलेगा यहाँ पे जो बस रहे हैं उनका आधार कार्ड तो बन चुका है लेकिन रेसिडेंस कैसे मिलेगा उन लोगों को बारे में पता होना उसके लिए भी यहाँ पे जो प्रधान से वो इनको मोटिवेट करते रहते हैं और इन्हें पता है कि सीए क्या है और जो इनके मतलब राइट्स हैं ये उससे अवेयर हैं तो हम इन्हें बताते भी हैं और इन्हें पता भी है एक डिक्लेयर हुआ है दो दिन पहले मोदी जी ने डिक्लेयर किया कल भी लाल किले में वो बोले हैं कि 14 अगस्त जो था 1947 में कैसे हम बिछड़े हुए थे कैसे अलग हुए हैं वो दिन को याद करने के लिए एक विभाजन बीबीसी का डे मनाने के लिए वो डिक्लेयर किया इसको आप कैसे देखें अच्छी बात है सर क्योंकि हमें जो कुछ ऐसे डेज होते हैं उन्हें ज़रूर याद करना चाहिए जैसे कि हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं अगर हम नहीं मनाएंगे तो जो यंग जनरेशन है वो इसे भूल जाएगी और हमें ये याद दिलाते रहना चाहिए कि हम मतलब हमने कैसे ग्रो करा है हम कैसे डेवलप हुए हैं ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी ने कहा है और उसको एप्लीकेबल होगा तो अच्छी बात है उसे मनाना चाहिए एक पी चिदंबरम जो है पुराने होम मिनिस्टर थे वो भी एक ट्वीट किए हैं कि अगर पाकिस्तान 15 तारीख को हॉरर डे मनाएगा तो उसके ऊपर भारत क्या कहेगा तो ऐसे सुबह देता है कि पाकिस्तान क्या मनाएगा उसके बारे में हम सोचना चाहिए नहीं सर ये तो मतलब एक बहुत ही मतलब मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी बट एनी मतलब कोई क्या करता है हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए हम क्या करेंगे हमें वो देखना चाहिए सही बात है हम क्या करेंगे मैडम जी आपका नाम सर जैस्मिन आपण देखुथिबे केते छोटो छोटो पिला अछन्ति तांको से फ्री एजुकेशन दउछन्ति एठार आसी कि पढौछन्ति तांकर सर्वांगीन विकास हो पई एठार किछि महिला मध्ये अछन्ति मानको सहित मध्ये आलोचना करिबा मैडम जी आप कितने साल से यहाँ से हमें 6-7 साल हो गया 6-7 साल क्या क्या दिक्कत है आपको यहाँ पे हमारे पास लाइट नहीं है पानी की दिक्कत है बिजली की दिक्कत है बस यही दिक्कतें होती रहती हैं नज़दीक में स्कूल नहीं है हमारे बच्चे रोड पार के जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए फिर भी हमें हिंदुस्तानी कहलाने में अच्छा लगता भाई हम यहाँ रहे आगे कितना परिवार है यहाँ पे हमारा तो एक ही परिवार यहाँ आया हुआ देश से दूसरे लोग हैं सब लोग यहाँ रहते हैं 120 परिवार का गुजरान कैसे बनता है कैसे इनकम करते हैं कैसे खाते हैं पीते हैं बस अपना रेड़ी पटड़ी बेचते हैं उससे गुजारा चला लेते हैं फिर भी खुश हैं हमारे हिंदुस्तान में रह के फिर भी हम खुश हैं भाई रेड़ी पटड़ी से भी खुश हैं वहाँ पे क्या दिक्कत हुआ था जो आपको भागना पड़ा नहीं आती है मेरे को भाषा नहीं आती तो वहाँ पे क्या दिक्कत हुआ था जो आपको भागना पड़ा बस दिक्कतें थी भैया रोज ही आप देख रहे हैं सब लोगों को पता है दिक्कतों के बगैर अपना घर कौन छोड़ सकता अपना चिड़िया है ना वो भी अपना घोंसला नहीं छोड़ेगी बगैर दिक्कत के उनको दिक्कत आती है जब अपना घर बना बनाया 100 साल से हमारे बुजुर्गों ने बनाया वो हमने छोड़ा कोई दिक्कत होगी जब भी जो दिक्कत ना होती तो हम क्यों अपना घर छोड़ देते थे हमें हर किसका घर हर किसको अच्छा लगता है कोई अपना घर छोड़ के दिखा दे भाई क्यों छोड़ेंगे अपना घर लेकिन हमें दिक्कत थी जब आए हम बार बार बोलते तो हमें भी अच्छा नहीं लगता
थैंक यू आपन सुनथले निश्चित भाव अनेक समस्या थिला जाफल से मानको भागिबा पड़ला किंतु जेहेतु वर्तमान भारत विभाजन विभीषिका डे मना हबो निश्चित भाव तापर मध्य से माने खुशी व्यक्त करछंदी आगामी दिन रे निश्चित भाव से माने मध्य चाहूछंदी से मानको खूब शीघ्र नागरिकता मिलु एवं खास करी जो मौलिक अधिकार रहिछि बिजुली पानी ये सुविधा मध्य तांको दिल्ली सरकार जुगै दियंतु। नुआ दिल्ली कैमरा पर्सन नीरज सेदगगन अर्गस न्यूज़।